गाइस, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आप लोग का विनोद कुमार, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आप लोग देख रहे हैं द एडवेंचर रॉक। तो गाइस, आप लोग सोच रहे हैं कि बंदा हिंदी क्यों बोल रहा है। एक्चुअली गाइस, अभी से ही वाला चैनल पे हिंदी पे ब्लॉग आएगा। ब्लॉग बोल सकता है, ट्रिकिंग बोल सकते हैं, या आप लोग हाइकिंग भी बोल सकते हैं, या किसी अपना एक्सप्लोर करना भी बोल सकते हैं। सब कुछ मिला के आज से मैं करूँगा एडवेंचर और सब जगह पे लेकर जाऊँगा आप लोग को, घुमाऊंगा, एक्सप्लोर करूँगा। तो आप लोग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं मेरे साथ पूरा दुनिया को, तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड बिग थम्स अप, गिव अ बिग थम्स अप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आप लोग सोच रहे हैं कि द एडवेंचर रॉक ये नाम मैंने क्यों रखा, क्योंकि गाइज एक दिन इसके पीछे एक हिस्ट्री है, तो मैंने आप लोग पूरा शेयर कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्रिप्स एंड ट्रिक्स पे आ जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। एक दिन पे मेरा एक सामने मेरा एक दोस्त का घर है, उसका नाम है तरुण। तो उसके साथ मैं रोड पे ऐसे हर दिन वॉकिंग करना चाहता हूँ, तो जा रहा था ऐसे ही। तो वो मुझको पूछा कि तुम मतलब तुम्हारा मतलब ये सब मतलब पढ़ाई लिखाई काम सब कुछ छोड़ के तेरा ड्रीम क्या है, मतलब कुछ तो तेरा अच्छा लगता है। तो मैंने बोला एडवेंचर करना। तो वो बोला भाई एडवेंचर करना तुझको अच्छा लगता है? मैंने बोला हाँ। तो वो बोला भाई मुझको ट्रेकिंग, मैंने भी उसको सेम क्वेश्चन किया, तो वो भी बोला कि मुझको ट्रेकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो बात बात में हम दोनों बोला कि भाई चल, मेरे भी माथा पे जो प्लानर है तेरे माथा पे वो प्लानर है। वो बोला हाँ। तो तब हो गया एक सोल्यूशन निकला उधर से। तो वो है कि वो बोला चल किसी जगह पे हम लोग ट्रेकिंग करने जाते हैं। तो मैंने बोला कि मैं ना करूँ ट्रेकिंग, मैं ना करूँ हाइकिंग, मैं करूँगा एडवेंचर, और जिस जगह पे जाऊँगा वो बहुत ही अच्छा जगह है, तो जगह को कुछ सस्पेंस रखते लास्ट में बोलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली गाइज, इसके कारण मैंने उस चैनल का नाम रखा है द एडवेंचर रॉक, क्योंकि मुझको एडवेंचर करना छोटे से बहुत अच्छा लगता है। किसी जगह पे घूमना तो बहुत अच्छा लगता है, पर उस जगह को एडवेंचर करना, पकड़ लीजिए कि अभी मॉनसून सीजन है, और ये मॉनसून सीजन पे कोई पहाड़ मतलब हिल स्टेशन पे जाएगा, कोई हिल या माउंटेन पे जाएगा, तो उधर पे बहुत लैंडस्लाइडिंग होता है, तो इसके कारण बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों का जान भी चला गया है। फिर गाड़ी जो खा ऐसा आपका आप लोग खाद होता है, हम लोग को बंगाली पे तो हम लोग खाद बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी उसका पता नहीं है, तो खाद से भी गिर जाता है, मतलब पहाड़ का साइड से गाड़ी गड्डी एकदम नीचे पड़ जाता है, तो इसके कारण भी बहुत लोग का परेशानी हुआ है। लास्ट ईयर मेरा मम्मी घूमने गया था, उधर पर भी मम्मी बोला कि एक ऐसा ब्रिज था, ब्रिज ऐसे तोड़ गया, तो जितना गाड़ी ब्रिज पे रुका हुआ था सब गाड़ी गिर गया नीचे पे, पड़ गया सब लोग। तो तब उधर पे तो रेस्क्यू भी होता है, आर्मी लोग आके रेस्क्यू करते हैं, तो बहुत ही डिफिकल्टी है। तो आप ही पकड़ लीजिए, मैं अभी सेप्टेम्बर पे मैं घूमने जा रहा हूँ, और मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ, मेरे लिए एडवेंचर है जो मैंने सोच के नहीं जा रहा, पर मेरे साथ हो रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट है। आप लोग नहीं सोच पा रहे कि क्या होगा। तो ये सब चीज़ करने मुझको अच्छा लगता है, लाइफ को एक्सपीरियंस करने, लाइफ को कुछ हल्के करना है। तो आप लोग को भाई एडवेंचर करेगा आप लोग को। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो जीने जा रहे हैं, नया नया काम शुरू किया है किसी जगह पे, आप लोग को भी आप लोग के हम लोग के जैसे आप लोग का भी कुछ ऐसा ड्रीम है कि आप लोग भी ट्रेकिंग करना चाहते हैं या हाइकिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, लाइफ एंजॉय कीजिए करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए एकदम चीप बजट की जगह पे मैं जा रहा हूँ। उस जगह का नाम है, हर जगह पे वो मतलब पूरा एक ग्रुप बैठ के हम लोग डिसीजन लिया था, तो कोई बोला संदकपू, कोई बोला नेपाल, कोई बोला भूटान, पर मैंने बोला चल जब शुरू ही कर रहे हैं तो किसी गॉड के मतलब भगवान की जगह से करेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ ट्रिप पे। तो केदारनाथ का फास्ट से लेकर लास्ट तक पूरा आप लोग के साथ शेयर करूँगा, और वो जाऊँगा मैं सेप्टेम्बर को। तो उसके पहले जो बैग पैकेजिंग है, क्या क्या चीज़ मैं खरीद रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी ट्रेकिंग नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, तो क्या क्या परचेस करना चाहिए चीप प्राइस पे, कब कैसे हम लोग जाएंगे तो चीप प्राइस पे अच्छे से घूम के आएंगे, तो सब कुछ अच्छे एक्सप्लोर करेंगे। तो आज जो वाला वीडियो पार्ट वन है, ये वाला पार्ट वन वीडियो आप लोग को शेयर कर दे रहे हैं, ये वाला वीडियो में हम आप लोग के साथ कैसे हम लोग जाएंगे पूरा ट्रिप को कंप्लीट करेंगे कम बजट में, सब कुछ अच्छा एक्सप्लोर कर दूंगा, एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग देखते रहिए। चलिए मेरे लैपटॉप पे जाते हैं स्क्रीन पे, उधर पे हम मेरा एक चार्ट में बनाया हूँ कम प्राइस का, उधर पे आप लोग शेयर कर देते हैं। तो चलिए जाते हैं। तो
तो गाइज हम लोग मेन स्क्रीन पे आ गया। अभी हम लोग को देखना है कि ये वाला चीज आप लोग ध्यान से देखिए, फोकस कीजिए। ये वाला चीज मैंने बनाया नहीं है, ये वाला चीज था जिसका नाम मैंने अभी बताया, तरुण जो मेरे साथ जाएगा, मेरा ट्रिप पार्टनर, वो मैं ये एक्चुअली बनाया है मेरे थोड़ा डिस्कस करके। मेन वाला पूरा माथा उसका ही है, मेरा कुछ नहीं है, वही एक्चुअली बनाया है। तो क्या बनाया है, कैसे बनाया है, सब कुछ आज बता देंगे, और पूरा ट्रिप का डिटेल, कितना कॉस्ट लग रहा है घूमने में, सब कुछ मैं अभी डिटेल पे बता दे रहा हूँ। देखिए, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और बागवाटी कोलकाते के भीतर एक जगह पड़ता है, तो बागवाटी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो बागवाटी टू स्टेशन मतलब हावड़ा स्टेशन तक जो पड़ रहा है उसका कॉस्ट पड़ रहा है 1000 rupees इंटू टू, मतलब जाने आने का बोल रहा हूँ, जाएंगे और आने का 100 into 200 rupees। तो हम अभी इंटू नहीं कर रहे क्योंकि अभी इधर पे मैं मैथ करने नहीं बैठा हूँ, आप लोग को बोलना बैठा हूँ, तो आप लोग आपके हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। तो बागवाटी से तो मेरा स्टेशन तक पड़ रहा है 100 rupees, क्या बोल रहा है भाई, 100 rupees। इसके कारण क्योंकि अभी लॉकडाउन सिचुएशन है और इधर पे हम लोग का ट्रैवलिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी बस आता है, कभी कभी ऑटो मिलता है, क्या एक्चुअल मिलता है मुझको भी पता नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को जाने आने, तो इसलिए मैं ये 100 rupees पकड़ा हूँ। फिर हावड़ा स्टेशन तक पहुँचने के बाद उधर पे हम लोग का दून एक्सप्रेस हम लोग पकड़ेंगे। देखिए तीन टाइप्स ऑफ एक्सप्रेस जाता है, एक है दून एक्सप्रेस, एक है आपका कुम एक्सप्रेस और एक उमाबोती, ऐसा कुछ है, सही में नहीं नेम और इसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, पर ये दो एक्सप्रेस का नाम जो मैं जानता हूँ, जिसका बहुत लोग जो एक्चुअल लोग चलता है वो दो एक्सप्रेस पे, वो है एक आपका दून एक्सप्रेस जो एकदम नंबर वन पे आता है, और दूसरा जो है वो है कुम एक्सप्रेस। तो दून एक्सप्रेस पे हम लोग जा रहे हैं। तो तरुण का एक ट्रैवल एजेंसी का साथ एक थोड़ा कुछ मतलब ऐप के साथ थोड़ा रजिस्ट्रेशन है, उसके कारण उसका थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, कुछ डिस्काउंट मिलके उसको 630 rupees मिल रहा है। एक्चुअल जो कॉस्ट आता है वो 770 to 850 तक आता है स्लीपर का, तो उस सर पे भी इंटू टू मतलब आपको पता चल गया है कि ये जाने आने का बोल रहा हूँ, तो 630 rupees इधर पे लग जा रहा है। फिर हरिद्वार तक हम लोग पहुँच जाएंगे, उधर पे जाने में हम लोग को 32 hours लगेगा। हम लोग जिस दिन उठेंगे उस दिन तक, उस दिन से नेक्स्ट दिन, फिर उसके बाद वाला दिन हम लोग सुबह के 4 to 4:30 पहुँच जाएंगे। हरिद्वार से हम लोग फिर जाएंगे सनप्रयाग तक, इसका नाम भी बहुत डिफिकल्ट है, सनप्रयाग तक हम लोग जाएंगे बस पे। ठीक, हम एकदम पूरा डिटेल पे बता दे रहे हैं। आप लोग स्टेशन पे उतर के ठीक साइड पे एक बस की एजेंसी रहता है, उस बस पे एजेंसी पे जाके आप लोग बोलेंगे तो उन लोग एक टिकट उधर से भी आपको लेना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा, तो वो 350 लेकर आ रहा है, पर मैंने तरुण को बोला था उधर पे ज़्यादा कॉस्ट भी लग सकता है, उसके लिए मेरे पास और एक टिप्स है, वो भी लास्ट पे मैं बता दूंगा। तो 350 rupees मैं इधर पे पकड़ा हूँ क्योंकि बस का जो ट्रैवलिंग है वो बहुत लॉन्ग होने वाला है, तो कुछ खाना पीना भी बनता है, तो खाना पीना खा के फिर कुछ ड्राई फ्रूट भी लेकर जाएंगे। तो ट्रैवलिंग करने में बस पे हम लोग का ऐसा आराम लगेगा जो मैंने जानता हूँ 5 to 7 hours ऐसा कुछ लगेगा। फिर हम लोग पहुँच जाएंगे गौरीकुंड, तो गौरीकुंड पे हम लोग को जाने के लिए पहले तो हम लोग गौरीकुंड जाएंगे, मतलब एक स्टॉपेज पे उतर देगा, उधर से गौरीकुंड हम लोग जाएंगे। जैसे हम लोग के इधर पे कोलकाता पे शाटल चलता है ना, कि 20 rupees लेता है, 30 rupees लेता है, पहुंच जाता है, ऑटो जिसको हम लोग बोलते हैं या मैजिक गाड़ी जिसको बोलते हैं, वैसे उधर पे भी जो हिल स्टेशन होता है या माउंटेन ऐसा कुछ उधर उस साइड पे ऐसा 40 rupees करके एक गाड़ी चलता है, जो हम लोग आने जाने का पकड़ा है वो 40 rupees करके रखता है, वो हम लोग को गौरीकुंड तक एकदम पूरा जगह पे पहुंच देगा। अभी उधर पे जाके हम लोग एक रूम पे उठ जाएगा, पर 2% 800 rupees पर नाइट एट गौरीकुंड, तो उधर पे हम लोग रह जाएंगे, फिर सो जाएंगे, खाने पीने मज मस्ती करेंगे, फिर सुबह उठेंगे 5 to 7 के बीच, फिर उठ के फ्रेश होके फिर उधर पे हम लोग जाएंगे गौरीकुंड टू केदारनाथ ट्रेकिंग पर, और 6 to 7 hours का वो मतलब जाने का एक मजा है, आप लोग बोल सकते हैं हाइकिंग, आप लोग बोल सकते हैं ट्रैवलिंग, आप लोग बोल सकते हैं ट्रेकिंग, कुछ भी बोलिए, पर ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरे लिए एक एडवेंचर है। तो हम लोग जाएंगे केदारनाथ ट्रेकिंग पर, तो 6 to 7 hours लग सकते हैं, उसके ज़्यादा भी लग सकता है, उसका कोई मतलब मेरे पास मतलब ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि रास्ते पे क्या होगा, कैसे हम लोग पहुंचेंगे, क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता, पर रिस्क तो लेना है बनता है भाई, चल जाते हैं, ऐसा ही बात है। तो केदारनाथ तक पहुंच जाएंगे, घूमेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पियेंगे, थोड़ा फोटो खींचेंगे, सेल्फी खींचेंगे आप लोग के साथ, आप लोग को घुमाएंगे फिराएंगे, एडवेंचर करवाएंगे,
और उसके बाद फिर जब हम आएंगे कि उधर उधर पे केदारनाथ का एक कैंप होता है जो टीनेजर ऐसा कुछ लोग रह सकते हैं, नॉर्मल ना आम आदमी, मतलब ऐसा नहीं कि टीनेजर के लिए बनाया है, सब लोग के लिए बना हुआ है। वो 600 पर पर्सन पड़ता है, पर आप लोग चाहे तो होटल पे भी रुक सकते हैं, आप लोग चाहे तो गवर्नमेंट से जो बना हुआ है टेंट उधर पे भी रुक सकते हैं। वो 1000 से 1500 तक आता है प्राइस, ऐसा कुछ आता है, तो उधर पे भी आप रुक सकते हैं। फिर फूड का है पकड़ लिया आप लोग 2000 रुपीज़, अब आई होप सब लोग देख पा रहे हैं, ये है आप लोग का 2000 रुपीज़, मैं एकदम दिखा दे रहा हूँ आप लोग देख पाएंगे, सॉरी क्या हो रहा है, हाँ आप लोग देख पाएंगे, ओ माय गॉड क्या हो रहा है, एक मिनट, क्या हो रहा है ये, छोड़िए तो हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है मुझको भी पता नहीं चल रहा है, छोड़ दीजिए। तो इधर पे हम लोग ऐसे करेंगे तो 2000 करके फूड पे रखा हो, क्योंकि ड्राई फूड उधर पे क्या लगेगा नहीं लगेगा मुझको पता नहीं है, और जब घूमने जा रहे हैं तो खाना तो बनता है। पर मैंने तरुण को बोला हो, वो भी मुझको सजेस्ट किया है कि हम लोग ऊपर पे जब ट्रेकिंग करेंगे तो मुझको खाना कम कर मतलब खाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उतना पैदल जाएंगे तो हम लोग को बहुत परेशानी आ सकता है, टॉयलेट आ सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो खाना कम खा के हम लोग को कोशिश करना है, पानी कम पानी पी के कम खाना खा के ऊपर पे मतलब जाना, ताकि हम लोग पहुँच जाए। ऐसा भी नहीं कि ऐसा कम खाया और माथा घूमना चालू हो गया या कुछ भी दिक्कत हुआ, हेल्थ इशू हो गया, फिर जाना पूरा इंजॉय जो इंजॉय करने जा रहा था वो पूरा मतलब उधर पे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं चाहते हम, आप लोग भी नहीं चाहते, तो ध्यान से दे जाइएगा। ये है फूड का कॉस्ट 2000 रुपीज़, उसके बाद मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, तो उसका टोटल हम लोग को कम करके इसका प्राइस लग रहा है 5540 रुपये, आप लोग को दिखाई दे रहा है 5540 रुपये, तो ऐसा कुछ लग रहा है। तो मैंने अभी जो टिप्स का मैंने आप लोग को बात किया था, वो वाला टिप्स ये है कि गाइज मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि आप लोग जिधर पे भी जा रहे हैं तो आप लोग उधर पे घूमने जा रहे हैं, इंजॉय करने जा रहे हैं, सेफली जाना चाहते तो ज़्यादा मतलब 3000 से लेकर 4000 रुपये एक्स्ट्रा कैरी कीजिए, ताकि कोई भी आप लोग को परेशानी आए, प्रॉब्लम आए, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए अभी मैं मेरा मेन कैमरा पे चला जाता हूँ और फिर उधर पे बात करता हूँ। सो गाइज कैसा लगा आज का वीडियो, आई होप सब लोग को बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो आप लोग के लिए मैंने बना था क्योंकि मैंने सोचा था कि ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन लोग को पैसा का प्रॉब्लम होता है, तो उन लोग के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि ताकि आप लोग कभी ऐसे सोच रहे कि मैं ट्रेकिंग करने जाऊँ या हाइकिंग करने जाऊँ, तो आपका जो ड्रीम है उसको फुलफ़िल कीजिए, क्योंकि आप जो ड्रीम देखते उसको फुलफ़िल करना चाहिए, क्योंकि वो आप लोग का इंजॉयमेंट के लिए है। तो गाइज मैं एक जगह पर बार बार जोर दे रहा हूँ कि किसी जगह पे जाइए, मैं जो स्ट्रक्चर पे आप लोग को पैसा बता दिया वो पैसा आप खर्च होगा, कोई इशू नहीं है, पर एक्स्ट्रा 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेकर जाइए, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना आए, प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि देखिए गाइस आप उधर पे एंजॉय करने जा रहे हैं तो एंजॉय के भीतर पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो एंजॉय तो नहीं होता है, ऊपर से आप लोग का मूड भी बिगड़ जाता है और अच्छा नहीं लगता है। तो जब किसी जगह पर घूमने जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसा कैरी कीजिए, ताकि किसी जगह का कोई भी प्राइस बढ़ता है या कम हो जाता है तो आप लोग के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा, आप एक्स्ट्रा पैसा लेकर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इतना छोटा एक वीडियो था आप लोग के लिए मैंने बनाया है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो भी मैं बोल दे रहा हूँ किस चीज़ के लिए आएगा। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो है क्या क्या सामान लेकर जाऊँगा, उसका भी मैंने एक लिस्ट बनाया और बहुत ही कम बजट में वो मैं खरीद सकता हूँ, कहाँ से खरीदूँगा सब कुछ ऑल एंड एवरीथिंग डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा। तो देखते रहिए और सुस्त रहिए, एकदम घर पे सेफ रहिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।